अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, एचआर इंटरनेशनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आपको वेलकम करते हैं। आज एचआर इंटरनेशनल आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर आया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। आज हम ऑस्ट्रेलिया की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो सीपीओ ऑस्ट्रेलिया है, वो तमाम कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड हैं सीपीओ ऑस्ट्रेलिया करने के लिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उनके पास कौन कौन से रूट अवेलेबल हैं इस क्वालिफिकेशन को हासिल करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान से बैचलर्स की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हुई है, वो अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में मास्टर ऑफ अकाउंटिंग के प्रोग्राम में और मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग के प्रोग्राम में जो अवेलेबल है विद सीपी एक्सटेंशन। ये जो प्रोग्राम है, ये 2.5 ईयर से लेकर 3 ईयर तक का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि इस मास्टर्स के प्रोग्राम के अंदर जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग का है और जो अकाउंटिंग का प्रोग्राम है, इसके अंदर यूनिवर्सिटीज वो तमाम सिलेबस और वो तमाम पेपर्स कवर अप करती हैं जो आपको सीपीए अचीव करने के लिए देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कंप्लीट कर चुके हैं पाकिस्तान से बैचलर्स और इंटरेस्टेड हैं सीपीए करने के लिए, तो वो हमारे इस मास्टर ऑफ अकाउंटिंग के प्रोग्राम में और मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग विद सीपीए एक्सटेंशन के प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से वो ना स्टूडेंट्स हमारे जो करना चाह रहे हैं सीपीए के प्रोग्राम को, लेकिन एट द मोमेंट उनकी क्वालिफिकेशन ए लेवल्स है या उन्होंने भी एसएससी किया है, तो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स जिनके दो पासेस हैं विद सी ग्रेड और एसएससी के स्टूडेंट जो 70% जो मार्क्स है जिनके पास है, वो एडमिशन ले सकते हैं बैचलर ऑफ अकाउंटिंग के प्रोग्राम में। और बैचलर ऑफ अकाउंटिंग का प्रोग्राम 3 साल का प्रोग्राम है। आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ दैट प्रोग्राम वो फिर दोबारा से मास्टर ऑफ अकाउंटिंग और मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग जो सीपीए सेशन के साथ है उसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपने जो ड्रीम है सीपीए ऑस्ट्रेलिया करने का उसको वो अचीव कर सकते हैं। अच्छा नासिर, आपको बताते चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया की नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, उन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास मैक्वारी यूनिवर्सिटी है, RMIT यूनिवर्सिटी है, चार्लस्टन यूनिवर्सिटी है, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी है, कर्टन है, हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया ये कोर्स ऑफर कर रहा है, लाक्रोप यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है, हमारे पास डीकेन यूनिवर्सिटी और टूटी यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज को ऑफर कर रही है। इन कोर्सेज की जो अभी अपकमिंग इनटेक है वो है February 2022। आपके पास स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप इसके ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर हमें कॉल, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इसके ऊपर हमसे शेयर करें, हमसे अपने डॉक्यूमेंट्स असेस करें और हमसे आप पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में कि आप किस रूट के थ्रू इस प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन को अचीव कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी बताना चाहूँ कि इसमें एक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी मौजूद है, क्योंकि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आईएलटीएस की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो 6.5 ओवरऑल विद 6 ईच है। तो एचआर कंसल्टेंट जो है वो आईएलटीएस क्लासेस जो है वो भी ऑफर कर रहा है, जो ऑनलाइन और फेस टू फेस दोनों मोड में अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन टाइम अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें ताकि जो अपकमिंग 2022 इनटेक है आप इसको कैच कर सकें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।